हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी तक जीयूसी में हमने हाइब्रिडाइजेशन को सीख लिया है, साथ ही साथ हमने ये सीख लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। जनरली हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक पाया जाता है सिग्मा बॉन्ड, एक पाया जाता है पाई बॉन्ड। ये भी हमने देख लिया है कि कंपाउंड के अंदर जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं उनको किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से। हाइब्रिडाइजेशन निकालना और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना नहीं आता है तो जीओसी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स मिल जाएगी जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे हम डिस्कस इस वीडियो लेक्चर में भी करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, बट डिटेल में यदि आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। तो और जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो थ्योरी आपने पढ़ी हुई है उसका आपको क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा और किस प्रकार से हमें उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्वेश्चंस को अप्रोच करना एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। केवल थ्योरी पढ़ के ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बॉन्डिंग से रिलेटेड और हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये आपको एक हाइड्रोकार्बन गिवन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें आपको बताना है ये जो C2 कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, C3 का बताना है, C5 का बताना है और C6 का बताना है, ठीक है। और आपको ये दो ऑप्शन गिवन है। तो सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई थी कि आपको क्या करना है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करना है तो आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को काउंट कर देना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास लोन पेयर कितने, 0 है। इस पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, बॉन्ड पेयर को काउंट करना है। और एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है, बॉन्ड पेयर में हम ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट कर लेंगे। अब बात करते हैं C2 की, C2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो यानी कि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 2 आएगा और 2 हमारा रिप्रेजेंट करता है sp को। देखो यदि आपके पास दो ऑप्शन है तो फर्स्ट वाला C2 तो sp होगा, तो sp होगा, लेकिन बी वाले ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, sp3 दे रखा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, लेकिन हम औरों को भी चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में इनका हाइब्रिडाइजेशन जो दे रखा है वही है कि नहीं है। अब बात करते हैं C3 कार्बन की। देखो C3 कार्बन में क्या है, एक बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बना रखा है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 2, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 3 और एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एक्चुअल में इसके नीचे होगा, ठीक है। 4 बॉन्ड इस कार्बन ने यहाँ पे बना रखे हैं, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या है, sp3 कार्बन होगा। C3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3, यहाँ पे भी क्या है, sp3 दे रखा है। अब बात करते हैं C5 की। C5 में एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी कि जो C5 का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अगर हम बात करते हैं C6 की, C6 की बात करें, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्वेश्चन को जब भी आप करते हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। जैसे ही हमने C2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो यदि आपके पास 4 ऑप्शन भी होते तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज एब्सेंट। आपके पास 3 कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट होगा।
ठीक है। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना रखा है इसने, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना रखा है, एक्चुअल में ये C2 होगा, CH2 होगा, ठीक है। तो दो सिग्मा बॉन्ड ये है, तीन सिग्मा बॉन्ड ये है, यानी कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीन क्या इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने हैं, जीरो हैं, ठीक है। हम क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आगे, तीन, और लोन पेयर जीरो आगे, यानी कि तीन हमारा रिप्रेजेंट करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड में नहीं होगा, और इस कंपाउंड में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो इसको तो हम कट कर लेंगे। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, इस कार्बन को देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, यानी कि यहाँ पे दो कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर जीरो है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारा sp। इस वाले कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये, इसके पास भी दो सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp होगा। इसकी बात करते हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड तो ये हैं जो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन ने बना रखे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो टोटल चार सिग्मा बॉन्ड इसके पास है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन की बात करें तो तीन सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ हैं, तो टोटल चार सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3 होगा। तो इस कंपाउंड में हमने देखा कि पहले वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, दूसरे कार्बन का भी sp है, तीसरे कार्बन का sp3 है, और चौथे का भी sp3 है, यानी कि इस कंपाउंड में कहीं भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं अपने सी वाले ऑप्शन में। तो इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो तीन हाइड्रोजन तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और एक इस कार्बन ने इसके साथ बना रखा है, तो यानी कि इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, इसके पास सिग्मा बॉन्ड चार हो जाएंगे। चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड इसके पास है, इस हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक ये है, दो, और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, यानी कि तीन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इस वाले कंपाउंड में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट था, इस वाले में भी इस वाले कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट था। हमें पूछा गया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके पास नहीं है, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इन कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का क्या हो, कौन सा कंपाउंड होगा। तो बेस का मतलब क्या होता है कि जो ईजिली क्या कर दे, लोन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है, लोन पेयर को क्या कर दे, डोनेट कर दे। इन कार्बन के पास सबके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन इनके पास होंगे, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो इन तीनों कार्बन में से आपको बताना है कि सबसे जल्दी लोन पेयर का डोनेशन कौन सा कार्बन करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब कार्बन के, जिन जिन कार्बन के पास लोन पेयर हैं, उनका हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक लोन पेयर इसके पास है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, ठीक है। हम क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। इसकी बात करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है, दो, एक ये है, तीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि इसके पास क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो ये होते हैं तीन, तीन का मतलब sp2, एक s का और दो p का। अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो एक लोन पेयर ये हो गया, दो, और दो इसके साथ, यानी कि चार टोटल इसमें हैं, दो सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए, दो हाइड्रोजन के, ये एक कार्बन के साथ इसने बना रखा है, प्लस एक इसके पास लोन पेयर हो गया, तो टोटल कितने हो गए, फोर, फोर हमारा रिप्रेजेंट करता है sp3 का। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है sp की, उसके बाद होती है sp2 की, और सबसे कम होती है sp3 की। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, और न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होने के कारण ये जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर
देखो एसपी का सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है और न्यूक्लियस इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और यदि हम एसपी की बात करें, इसमें एस करेक्टर कितना है, 50% है। एसपी टू में कितना है, लगभग 33.3% होता है और इसमें कितना होता है, 25%। तो इसमें 50% सबसे ज़्यादा एस करेक्टर का मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा, ये क्या है, सब न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है, तो सबसे ज़्यादा पास होने के कारण इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एसपी की होगी, देन एसपी टू की होगी, देन एसपी थ्री की होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि इस कार्बन के जो लोन पेयर है ना, ये आसानी से देगा नहीं, क्योंकि इस कार्बन के पास 50% एस करेक्टर है और एस करेक्टर जिसके पास होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस का मतलब होता है लोन पेयर को आसानी से कौन डोनेट कर सकता है, ये तो लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं होने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि इन लोन पेयर को ये अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा, इन लोन पेयर को डोनेट नहीं होने देगा। तो सबसे कम अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे कम होगा 3 का, फिर होगा 2nd का, फिर होगा 1st का। 1st का सबसे ज़्यादा बेसिक हमने क्यों बोला, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो क्या है, sp3 कार्बन के पास है और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो ये आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ये था इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी का। 4th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाई ओवरलैप ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको इनमें से बताना है कि हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, ऐसे कार्बन बताने हैं जो sp एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को शेयर करके बने हुए हैं। अब हमें मतलब ये देखना है, हमें जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पहले वाले कंपाउंड को लेते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तो टोटल कितने हो गए, 4 का मतलब क्या हो गया, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। इस वाले कार्बन की बात करें, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें sp एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम इन दोनों कंपाउंड की बात करेंगे तो दोनों कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। इसके अगर हम बात करें, 3 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ है, 1 सिग्मा बॉन्ड 4, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इस कार्बन की बात करेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, यानी कि 3 का मतलब sp2। इसकी अगर हम बात करेंगे, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 आ जाएगा sp2, इसका कितना आ जाएगा sp3। तो कहीं पे भी यहाँ पे sp और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इन दोनों कार्बन की बात करें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या होगा, sp होगा, क्योंकि एक एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पड़ जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं होमोलिटिक फिजन का, तो होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, और इन दोनों ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इस प्रकार से हमें ब्रेक करना है कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाए, तो इसको हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। यानी कि इक्वली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों एटम में, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3 फ्री रेडिकल एंड CH3 फ्री रेडिकल। जब भी हमारा होमोलिटिक फिजन होता है तो हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमने इथेन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक फिजन करवाया तो जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना, इसका हमें क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसका क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो अगर हम CH3 की बात करें, CH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, कुल मिलाकर के 3 सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर देना है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो
इथेन मॉलिक्यूल का जब हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे तो जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर क्वेश्चंस लाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, इनको आप आसानी से कर सकते हो, घर में एक बार इनकी प्रैक्टिस खुद से कर लेना, ठीक है, एक बार इनको देख लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जो काफ़ी क्या होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे।